वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म यानी कि फ्री गाय के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे रायन रेनॉल्ड्स और जोडी कोमर। जहां पर ये फिल्म जो है एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका ट्रेलर जब मैंने देखा था तो फिल्म जो थी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स भी थे तो मैंने सोचा कि चलो एक डिसेंट एंटरटेनर तो एटलीस्ट ये फिल्म होगी ही। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आज सुबह जब मैं थिएटर पहुंचा तो थिएटर जो था पूरी तरह से खाली था, पर फिर भी आईनॉक्स वाले आज मेहरबान थे, उन्होंने मुझे अकेले के लिए फिल्म को चलाया। तो पूरे खाली थिएटर के अंदर मैंने इस 1 घंटे 55 मिनट लंबी फिल्म को देखा, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे अगर वो एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म जो थी मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छी, और सिर्फ अच्छी ही नहीं, मैं कहूंगा कि ये फिल्म जो है एक वेल मेड एंटरटेनिंग फिल्म है जो आपको पूरी तरह से एंटरटेन जरूर करेगी। मतलब अगर आप एक फिल्म देखना चाहते हो, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो और एंटरटेनमेंट के लिए कोई फिल्म देखना चाहते हो और उसके अंदर कुछ डिफरेंट रूटीन कुछ नहीं, कुछ नया कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो ना, तो ये फिल्म जो है एक परफेक्ट सिलेक्शन आपके लिए होने वाली है। इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका कंसेप्ट। जिस तरह से एक ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर फिल्म की कहानी को सेट किया गया है, वहां के कैरेक्टर और बाहर के दुनिया के कैरेक्टर के बीच में जो कनेक्शन सेट किया गया है वो सही में काफी इंप्रेसिव था। और केवल यहां पर मैं कहूंगा कि कंसेप्ट ही नहीं, इसकी अगर आप स्टोरी भी देखोगे, जिस तरह से एक अंडरडॉग की कहानी को दिखाया गया है, उसके राइज को जिस तरह से दिखाया गया है, किस तरह से वो जीरो से हीरो बनता है, एक नूब से एक प्रो खिलाड़ी बनता है, उन सभी चीजों को फिल्म के अंदर एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। और साथ ही साथ कहूंगा कि जो दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये जो ओपन वर्ल्ड गेम्स वगैरह होते हैं, आपने भी खेले ही होंगे जीटीए वगैरह जो होते हैं, तो उनके अंदर आपने हमेशा देखा होगा कि जो एनपीसी होते हैं यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो रस्ते पे आजू बाजू चलते रहते हैं और जो प्लेयर होते हैं, जो रियल एक्चुअल प्लेयर्स होते हैं, वो उन्हें कभी भी डराते हैं, कभी भी मारते हैं, किसी का भी मन किया किसी को भी ठोक दिया, कुछ भी कर लिया, तो उनके साथ वो कुछ भी करते हैं। और इस फिल्म के अंदर भी सीधा सीधा बोला गया है कि डेवलपर्स जो होते हैं इन चीजों को, इन कैरेक्टर्स को सिर्फ प्लेयर्स के मजे के लिए ऐड करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे फिल्म के नैरेटिव में जिस तरह से सेट किया गया है, तो अगर आपने नोटिस किया हो आपके दोस्तों के बीच या फिर किसी के भी बीच या फिर सोशल मीडिया पे भी काफी बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं अपनी क्रिमिनल फैंटेसी को पूरा करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, गेम के अंदर कुछ भी करते हैं। और हर किसी के ऊपर तो नहीं, पर कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर ये जो चीजें हैं साइकोलॉजिकली बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती भी हैं। फिल्म के अंदर इस चीज को दिखाते हुए, भले ही गेम के अंदर ही क्यों ना हो, जो एक एंटी वायलेंस का जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिटी भी दिखाई गई है वो जीटीए टाइप ही सिटी है, बस उसके अंदर अगर आप देखोगे तो दूसरे दूसरे गेम्स जो पॉपुलर गेम्स है फॉर्टनाइट वगैरह, उन लोगों के कुछ कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जो लोग गेम वगैरह रेगुलर खेलते हैं, ओपन वर्ल्ड गेम्स वगैरह खेलते हैं पीसी वगैरह पर, तो वो लोग इन सभी चीजों से थोड़ा और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड बनाया भी है, जो गेम दिखाया भी है, वो भी काफी ऐसा लगता है कि हाँ, जो हम कंप्यूटर वगैरह में खेलते वक्त देखते हैं उसी टाइप का चीजें दिखाई गई हैं, चीजें रिपीट होती हैं, आप जितनी बार जाओगे वो चीजें आपको उतनी बार सुनाई देगी। तो वो सब चीजों को यहाँ पे फिल्म में रखा गया है जो कि काफी अच्छा था। इसके अलावा इस फिल्म का जो दूसरा सबसे इंप्रेसिव पॉइंट था वो था इसका रोमांटिक सेक्शन। जी हाँ, फिल्म के अंदर आपको एक लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जहां पे कहना चाहूंगा कि फिल्म की जो एक्ट्रेस है यानी कि जोडी कोमर, वो इस फिल्म में गेम के अंदर और गेम के बाहर असल जीवन में भी दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और उनकी और रायन रेनॉल्ड्स के बीच की जो केमिस्ट्री फिल्म में देखने को मिलती है बहुत ही परफेक्ट नजर आती है। साथ ही साथ इस लव स्टोरी को जिस तरह से शुरू शुरू से धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है और उसके अंदर पॉइंट पॉइंट पर जो छोटे छोटे ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो इतने परफेक्टली प्लेस किए गए हैं कि आप अपने आप इमोशनली जो है इस लव स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे। और लास्ट में एक सीन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर एक जो फील गुड वाली जो इमोशंस होते हैं उसे आप कहीं ना कहीं फील जरूर करोगे। फिल्म का एक्शन काफी अच्छा है, एक एक्शन एंटरटेनर के तौर पे तो फिल्म कहीं पर भी निराश नहीं करेगी। वीएफएक्स, ग्राफिक्स से लेकर फिल्म के कैमरा वर्क तक हर एक चीज काफी बेहतरीन थी और एक एक्शन फिल्म के तौर पे फिल्म आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिल्म के आखिरी 15-20 मिनट के अंदर जो एक्शन देखने को मिलता है वो काफी थ्रिलिंग, काफी इंगेजिंग था। और कहना चाहूंगा उस आखिरी 15-20 मिनट के अंदर अवेंजर्स का जो एक रेफरेंस हमें देखने को मिलता है ना, सच बता रहा हूं, थिएटर खाली था, अगर थिएटर फुल होता, यहाँ पे सुपर हीरो फैंस से अगर फुल होता ना, तो कसम से बोलता हूँ सीटियां और तालियां बजती ही। एक कैमियो भी है जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, मुझे पता नहीं था उनका कैमियो भी होने वाला है, तो मैं आपका स्पॉइलर नहीं करूंगा, एक कैमियो भी आपको देखने को मिलेगा। और वो जो कैमियो था सही में बहुत ही मजेदार था और कहूंगा कि आखिरी के 15-20 मिनट जो थे फिल्म में, वहां पे एंटरटेनमेंट जो है अपने पीक पे होता है, वहां पे जो कॉमेडी वगैरह थी वो भी काफी डिसेंट थी। फिल्म का जो एकमात्र ड्रॉबैक जो मुझे लगा, हिंदी डब वर्जन देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इंग्लिश वर्जन में नहीं देख पाया,
हूँ, बहुत देर में था, शायद कैंसिल भी हो जाता, कोई भरोसा नहीं। तो हिंदी डब वर्जन देखा हूँ, जहाँ पे मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो हम रायन रेनॉल्ड्स की जो वॉइस है उसे मिस करते ही हैं। उनकी वॉइस आप सभी को पता है कि उसका एक अलग ही मैजिक है। उनकी जो एक कॉमिक टाइमिंग है उसे भी आप पूरी तरह से मिस करोगे। और हिंदी डबिंग में जिस तरह से डबिंग की गई है, जो डायलॉग्स डाले गए हैं, उसके अंदर पूरी तरह से ह्यूमर की जो कमी है वो आप एक्सपीरियंस करोगे। और जो कॉमेडी सीन्स, जो ह्यूमर्स हैं, वो कहीं पर भी उतने इफेक्टिव साबित नहीं होते हैं। पर फिर भी आखिरी के 15-20 मिनट के अंदर कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां पर आपको हंसी जरूर आएगी। इसके अलावा फिल्म के अंदर छोटे मोटे लूप होल्स हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट जब आते हैं तो लूप होल्स या फिर लॉजिक जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। फिर भी कहूंगा कि वो चीजें जो है आपको उतनी कहीं परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी जो थी काफी पॉइंट्स पे प्रिडिक्टेबल होती है, पर प्रिडिक्टेबिलिटी के बावजूद भी फिल्म जो है कहीं पर भी पकड़ नहीं छोड़ती है। स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, जगह जगह पर ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो आपको अपने साथ पूरी तरह से जुड़े रखेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो फ्री गाय एक बहुत ही वेल मेड एंटरटेनिंग फिल्म है। अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया कंसेप्ट देखना चाहते हो, इस फिल्म को एक बार जरूर देखो। फिल्म जो है आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फैमिली के साथ देखना जाना चाहते हो तो कहूंगा कि दो किसिंग सीन्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। अगर आपके लिए ओके है तो फैमिली के साथ भी देखिए, जरूर एंजॉय करोगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।